नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से हमारा जो चैनल है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है हमारा जो वीडियो है जो कि है वेब डिजाइनिंग कोर्स का, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वेब डेवलपर को क्या क्या करना होता है, यानी कि एक वेब डेवलपर करता क्या क्या है, तो उसको जो है डिटेल में हम समझेंगे। और जो है इसको डिटेल में समझेंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे जाके, लेकिन आपको बता दूं इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको लाइव वेब के ऊपर भी जो है कुछ आगे आज के इस वीडियो में कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी दूंगा, तो उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि एक वेब डेवलपर करता क्या है और क्या है वो एक लाइव सेशन जो मैं आपको वहां पे दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक डायग्राम जो मैंने बनाई है। बेसिकली एक डेवलपर जो है वो काम करता है या तो फ्रंट एंड पे या फिर बैक एंड पे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है फ्रंट एंड पे जो भी डेवलपर्स काम करते हैं, ये वो एरिया होता है, ये वो सेक्शन होता है जो जितने भी यूजर्स हैं उनको जो दिखता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये फेसबुक का ये लॉगिन पेज हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये लॉगिन पेज जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इंटरफेस है जो हमें दिख रहा है, ये एक फ्रंट एंड डेवलपर ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। चाहे फिर ये गूगल की बात कर ले, जैसे हम google.com लिखते हैं यहाँ पे, तो google.com लिखते से ये जो सामने आता है ये एक जो है फ्रंट एंड डेवलपर ने डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह जितनी भी हम वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं, जो यूज़र को एंड दिखता है वो जो है बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, वो डिज़ाइन करता है। अब इस फ्रंट एंड के अंदर जो है आपको HTML फाइल्स होती हैं, CSS फाइल्स होती हैं, JavaScript होती है, और उनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे गूगल पे कुछ भी चीज़ लिखते हैं, अब ये लिखा हमने हाउ, अब हाउ लिखने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ये जो दिख रही हैं ये जावास्क्रिप्ट की वजह से दिख रही हैं, यानी कि ये जो जावास्क्रिप्ट है उस पर रिएक्ट कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं उस पर इसने रिएक्ट किया। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये फ्रंट एंड डेवलपर के हाथ में होती हैं। और वहीं पर जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वो काम करते हैं सर्वर्स के ऊपर और हमारे डेटाबेस के ऊपर, और यानी कि हमारा जो सर्वर है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, और सर्वर जो है डायरेक्टली हमारे जो भी वेब ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट आती हैं वो सर्वर्स के पास जाती हैं, और सर्वर जो है उसी रिक्वेस्ट को चेक करता है कि उनको फाइल की रिक्वायरमेंट है या किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है। अगर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो ये डेटाबेस से जो है उस डेटा को कलेक्ट करता है सर्वर, और वापस जो है हमारे वेब जो हमारा फ्रंट एंड है उसको जो है ये फैच करके डेटा दे देता है। तो जैसे कि अभी हम जो यहाँ पे गूगल के ऊपर यहाँ पे हमने जो भी लिखा, जैसे हाउ लिखा, ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो ये हाउ टू कनेक्ट है या हाउ टू सेट है, हाउ है, हाउ आर यू है, हाउ टू मेक है, ये जो है ये कहीं पे फ्रंट एंड पे नहीं पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है, ये डेटाबेस के अंदर पड़ा है। तो ये डेटाबेस के अंदर पड़ा है, लेकिन ये फैच कहाँ किसके थ्रू हो रहा है, इस सर्वर्स के, जो बैकएंड का जो सर्वर है ये डेटाबेस जो है वो सर्वर से कनेक्टेड है। और जब भी हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे, सपोज कर लो ये गूगल है, तो गूगल पे जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो ये तुरंत जावास्क्रिप्ट उस पर रिएक्शन कर रही है, और रिएक्ट करके ये सर्वर को कनेक्ट कर रही है, सर्वर जो है हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, और डेटाबेस वापस सर्वर को रिजल्ट देता है, और सर्वर जो है हमें जो रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इसकी स्पीड देखें, अब ये जो सर्वर है गूगल का ना जाने कहाँ पे पड़ा है, कितनी दूर पड़ा है हमसे यहाँ से, ठीक है, इंडिया से, इंडिया के अंदर है या इंडिया से बाहर है, तो वो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसकी स्पीड जो है हमें डेटा प्रोवाइड करने की, अब जैसे हमने अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ ये लिखा और ये हमें जो है यहाँ से इसने फैच करके दे दिया, तो ये कितना फास्ट डेटा जो है हमारे पास मिलता है। तो ये दो तरह का काम होते हैं बेसिकली डेटाबेस, जो भी वेब डेवलपर्स होते हैं उनके पास बेसिकली जो है दो काम करने के लिए होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड के लिए और एक होता है बैक एंड के लिए।
फ्रंट एंड पे भी हम आगे पढ़ेंगे कि दो तरह के काम किए जाते हैं, एक डेवलपर होता है एक डिजाइनर होता है, और बैक एंड पे तो डेफिनेटली डेवलपर ही होते हैं। ठीक है, तो हम ये आगे चल के देखेंगे इस पे, लेकिन अभी जो है इसको जो ये जो रियल टाइम किस तरह से काम कर रहा है वो हम देख लेते हैं कि ये जो डेटाबेस हम पहले वीडियो में हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि ये सर्वर जो है वो फाइलें जैसे कि HTML, CSS और JavaScript वो वेब ब्राउजर को भेज देता है। तो अब ये भेज देता है या डायरेक्टली उस सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, इसको चेक करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आप जो है मैं आपको आप चाहें तो आप जो है आपका यहाँ पे टूल ऑप्शन में जाके यहाँ पे वेब डेवलपर के ऑप्शन में जाके इंस्पेक्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे इंस्पेक्टर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम जिस भी सेक्शन पे जाते हैं वो सेक्शंस यहाँ पे हमें जो है ये जो साइड में नीचे साइड में जो ये कोडिंग दिख रही है ये सारी कोडिंग की गई है और ये कोडिंग ही जो हमें यहाँ पे फैच की हुई है। अभी जैसे कि ये लोगो है तो अब इसको जो है मैं यहाँ से ये नीचे आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं अगर इसको डिलीट बटन दबा देता हूँ तो यहाँ से ये गूगल का जो लोगो है वो डिलीट हो गया। तो क्या ये वाकई सर्वर से भी डिलीट कर दिया? अब यार आप इस चीज़ को जो है थोड़ा सा मैजिकली भी कर सकते हो, अगर जिनको नहीं पता तो आप उनको क्या कर सकते हो, देखो यार मैंने गूगल का लोगो डिलीट कर दिया। कैसे कर दिया? तो आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा बता सकते हो आप यहाँ से इसको करने के बाद ऐसा, और यहाँ से इसको डिलीट कर दो और अपने फ्रेंड को बोलो देखो यार गूगल को मैंने यहाँ से गूगल का लोगो जो है वो डिलीट कर दिया, या चेंज भी कर सकते हो आप जैसा भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे गूगल सर्च लिखा है लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ गूगल सर्च की जगह आपका नाम आ जाए तो आप वो कर सकते हो। कैसे? इस पर क्लिक करो तो ये नीचे सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है तो वैल्यू के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे जैसे कि मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, नाम लिखने के बाद मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गूगल सर्च लिखा था, अब वहाँ पे मंजीत सिंह लिखा आ गया। आई एम फीलिंग लकी, अब इस पर अगर आप क्लिक करो तो आपको जो है वो अलग जगह पे ले गया, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास वही का वही एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, वो उस पर क्लिक कर दिया था मैंने इसलिए, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस डेटाबेस का से जो वापस फाइलें हमारे पास पहुँच गई। तो हमने तो यहाँ पे जो है गूगल का ये जो लोगो था उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन वापस ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जब भी ये हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो सर्वर ये फाइलें हम तक ब्राउज़र तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करने के बाद भी आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जो चीज़ पे आप जाएंगे वो चीज़ जो है सिलेक्शन में आती रहेगी। ठीक है, अब ये है आई एम फीलिंग लकी, अब इसको इंस्पेक्ट करना है तो आपने इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं ये सिलेक्शन हो चुका है। तो अब आई एम फीलिंग लकी यहाँ पे ये देखो लेबल है और ये रहा वैल्यू, तो वैल्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम फीलिंग सैड या कुछ भी लिख दो आप करके, मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी था लेकिन अभी जो है आई एम फीलिंग सैड आ गया। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे हमने जो हमारे पास फाइलें ब्राउजर पे आ चुकी हैं हम उन फाइलों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उन फाइलों पे जो है हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वर से पड़ी हैं सर्वर पे पड़ी हैं वो डेफिनेटली एज इट इज़ हैं, उनमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। तो जैसे अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद वापस से आई एम फीलिंग लकी आ जाता है। तो सेम चीज़ जो है अभी आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के साथ कुछ मजाक वगैरह करना चाहते हैं तो ये हमारा फेसबुक का लॉगिन पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो पासवर्ड लिखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लिखा जाए वो दिखे। अब वो कैसे कर सकते हैं आप इसमें जाके वापस से क्या जाएंगे टूल्स में वेब डेवलपर पे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हो टाइप, ये देखो टाइप लिखा हुआ है, टाइप अभी पासवर्ड है, पासवर्ड की जगह यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट करके यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और ये मैंने इसको बंद कर दिया
और मैं अभी यहाँ पे जो भी लिखूंगा अभी, जैसे कि मेरा पासवर्ड कुछ भी हो, तो आप देख सकते हैं कि वो पासवर्ड अभी मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ भी जो है, ये सारी की सारी हम कहाँ पे कर रहे हैं, टेम्पोरेरी फाइल जो हमारे पास आ चुकी हैं, जो सर्वर से फाइलें हमारे पास वेब ब्राउज़र पे आ चुकी हैं, हमारे लोकल पीसी पे आ चुकी हैं, उन फाइलों के अंदर जो है हम चेंजेस कर रहे हैं, तो ये चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको वापस से यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो ये सर्वर से जो है वापस से फाइल जो है अपडेट हो गई। तो अब मैं लिख कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ जो पुरानी थी, अब पासवर्ड हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड पे, और जो हमने यहाँ पे देखा कि सारी चीज़ें जो हैं ये सर्वर हमारे ब्राउज़र पे भेज देता, उस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली देखा कि हम जो है वाकई हमारे पास लोकल में फाइलें आ जाती हैं, चाहे वो HTML है, CSS है, JavaScript है, तो वो सारी हमारे पास लोकल में आ जाती हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।